कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो इस रेप मर्डर केस को लेकर वकीलों में भी गुस्सा है, हम देख रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब वकीलों की तरफ से भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। कई दिनों से लगातार देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड नेता साध्वी रितंबरा ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर क्या कहा, सुनिए। साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ में। साध्वी जी, कोलकाता में जिस डॉक्टर बेटी की हत्या हुई है, आपको लगता है उसको न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, देश का भारी अपमान है। जिस देश की इतनी होनहार बेटी और उसके साथ ऐसी निरशंसता, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब तक इस देश में दंडनीयों को दंड नहीं मिलेगा और वंदनियों का वंदन नहीं होगा, तो ये देश सही दिशा में नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है, हमारे देश के बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्री में देवी का दर्शन करते हैं, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उन नरों में कुछ नर पिशाच भी हैं जो ऐसा कुत्सित जघन्य अपराध करते हैं जो राक्षसों की वृत्ति से भी दुष्वृत्ति से बढ़कर है। जिस तरह उस डॉक्टर लड़की के शरीर की दुर्दशा की है, उसकी आत्मा कैसे बेधी होगी इन पापियों ने। निश्चित रूप से ऐसा दंड मिलना चाहिए कि एक नजीर बने, ताकि लोग इस तरह के दुष्कर्म करने में उनकी आत्मा सिहर जाए। लेकिन मुख्यमंत्री खुद सड़क पे उतर जाती हैं, ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री जबकि किस दृष्टि से सड़क पे उतर जाती हैं? बात ये नहीं है, बात ये है, हमारा देश अपने कुल में पैदा हुए रावण और कंसों को जब देखता है ना, तो ये नहीं कहता कि ये हमारा है, उसके पुतले जलाता है, उससे नफरत करता है। भारत देश ऐसा है जिसने स्त्री के सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। चाहे आप लंका में भगवान राम ने युद्ध लड़ा हो और चाहे महाभारत का युद्ध लड़ा हो, वहाँ जानकी जी के सम्मान का सवाल था और वहाँ द्रौपदी के सम्मान का सवाल था। जिस देश ने स्त्री के मान सम्मान के लिए युद्धों तक को निमंत्रण दे दिया, हमें कम से कम कुछ तो सीखना चाहिए ना। साध्वी रितंबरा जी, जिनका कहना है कि दोषी अपराधी कोई भी हो उसको बचाना नहीं चाहिए, इसी देश ने रावण को नहीं बचाया, कंस को नहीं बचाया, कुंभकर्ण को नहीं बचाया, सभी को सजा दी, तो फिर बंगाल में अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है? कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य हमारे साथ दिल्ली से, मनोहर केसरी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य आपके पास आना चाहेंगे, प्रोटेस्ट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आज भी डॉक्टर्स क्या हड़ताल पर हैं और अभी तक सीबीआई जांच में क्या सामने निकल कर आया है? आदित्य आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आप प्रश्न को प्लीज दोहराएंगे क्या? आदित्य, क्या डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं और क्या लग रहा है ये हड़ताल कितनी लंबी चलने वाली है? और डॉक्टर्स अगर आपके साथ मौजूद हैं तो बात करिए। जी, मैं आपको पहले यहाँ की स्थिति दिखा देता हूँ कि ये जो पूरा इलाका है किस तरह से छावनी में तब्दील है। ये देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान है वो पूरे एरिया को कवर किए हुए हैं। देखेंगे ये जो पानी के बौछार करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और ये जो दंगा विरोधी जो दस्ते होते हैं वो लाए गए हैं। और ये इलाका पूरा ऐसा है जहाँ हो सकता है कि डॉक्टर मीटिंग के लिए अंदर जाएं और मीटिंग जाने के बाद वहां पर कुछ ऐसा विवाद ना हो जाए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तैयारी है। यहाँ से लगभग थोड़ी सी दूरी पे पुलिस वालों ने जो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स उनको रोका हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहां पे ओपीडी लगाने की बात की थी, तो भीड़ इकट्ठा ज्यादा हो रही थी। इस वजह से जो है इनका जो धरना प्रदर्शन एक जगह उन्होंने उनको पुलिस ने कहा कि आप बैठ जाइए, यहाँ से आप प्रदर्शन करिए, उसके बाद कंटिन्यू
जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ डेलीगेशन की बात हुई थी कि वो अंदर जाकर के बात करेंगे, जो मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं उन सबसे बात करेंगे, तो कुछ डेलीगेशन की बात चल रही है कि वो जाकर के मिल करके आएंगे और अंदर बात कुछ करेंगे कि क्या आगे की रणनीति होनी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से बात हो रही है निर्माण भवन के पास में आकर के डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, सभी आकर बैठ रहे हैं और वहां पर वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सीपीए मुख्य जो उनका डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा, डॉक्टरों की जो संपत्ति पे अगर प्रहार किया जाता है, संपत्ति का नुकसान होता है, उस संपत्ति के बदले मुआवजा, ये सब तरीके के कुछ टॉपिक है, उनमें कुछ खास तरीके से बातें रखी गई हैं, उन सब को लेकर के डिस्कशन है और अंदर बात कर रहे हैं डॉक्टर की जो प्लानिंग है, जिस तरीके से कि आगे क्या प्रोसीजर होना है, आगे क्या बातचीत होनी है, उसकी तैयारी चल रही है। पिछले 3 दिनों से वार्तालाप की कोशिश की जा रही है मंत्रालय से, लेकिन किसी तरीके से बात बनती नहीं जा रही, लेकिन डॉक्टरों का इस बीच में लगातार ये कहना है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जब तक कि उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती तब तक लगातार वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और जिस तरीके से उनका कहना है कि ओपीडी समेत जो ओपीडी छोड़ करके जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको, चलिए ठीक है ठीक है, आपके पास आएंगे आदित्य। मनोहर हमारे साथ हैं, मनोहर भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और मनोहर के साथ मैं पीछे देख पा रही हूँ कई सारे डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं। मनोहर बात करिए जरा डॉक्टर से। हाँ बिल्कुल अनन्या, मैं सीधे बात करने से पहले आपको बता दूं कि मैं निर्माण भवन जहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हेडक्वार्टर है उसके सड़क पर बैठा हूँ और सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि ये सारे जो हैं एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी है और एम्स के जो सुपर स्पेशलिटी 36 डिपार्टमेंट है, हालांकि ज़्यादा डिपार्टमेंट है लेकिन जो लोगों के संपर्क में रोजाना 1-to-1 रहता है, मरीजों के साथ रहता है, 36 डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए बैठे हुए हैं। ये यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इन्हें ज़्यादा सुरक्षित यहाँ महसूस करना पड़ रहा है क्योंकि सुरक्षा उस तरह से अस्पतालों में नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं, जहां तक नजरें जा रही है हर जगह आप देखिए, यहां सामने सर्जरी ओपीडी आपको नजर आएगी, आगे आपको साइकेट्रिक ओपीडी, ऑर्थो ओपीडी, मेडिसिन ओपीडी, कार्डियो ओपीडी, न्यूरो ओपीडी, सारी ओपीडी नजर आएंगी और हमारे जस्ट आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी ओपीडी है, मतलब जो बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए ओपीडी यहां पर लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर हैं, ये आप देखिए 3-4 डॉक्टर एक साथ पीडियाट्रिक ओपीडी ऑन्कोलॉजी के हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। डॉक्टर राहुल, पैसे काफी खर्च किए होंगे, मेहनत भी आपने लगाई होगी और एक लंबी पढ़ाई के बाद जो है सो आपको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, क्यों? देखिए ऐसा है कि हम जिस अस्पताल में काम करते हैं, जिस अस्पताल परिसर में काम करते हैं, हमें लगता है वो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो हम उस जगह पे काम करने आ गए हैं जो कि भारत का सबसे सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है। हम हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने हैं, हमारे साथ इतने सारे पुलिस फोर्स हैं, तो हमें लगता है कि ये सबसे सेफ प्लेस है और यहाँ पे हम अपनी सेवाएं बिना बाधा के, बिना किसी डर के प्रदान कर पाएंगे। जैसा आपने बोला कि ये स्क्रीनिंग ओपीडी है, बस हम स्क्रीनिंग सेवाएं नहीं दे रहे हैं, हम ओपीडी में जो और सेवाएं मिलती हैं, जो एम्स के ओपीडी में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में पीडियाट्रिक्स छोटे बच्चों को जो मेरा सवाल वही है कि अगर कोई मरीज जो वहाँ एम्स से नंबर लगा करके वापस लौट जा रहा है वो यहाँ करके इलाज करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, बस हम इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें ये जगह सेफ लग रहा है। हम एज अ डॉक्टर हमारा काम है मानवता को सेवा देना, मानवता की सेवा करना, और इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमें ये सबसे सेफ जगह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो आपने अन्य देखा कि ओपीडी पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी के है, लेकिन मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो सर्जरी ओपीडी है, सर्जरी ओपीडी के तमाम डॉक्टर्स हैं, इनसे हम सीधे बात करेंगे कि ये अगर यहाँ पर ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं तो किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं? आप लोग सब ऑर्थो के हैं? नहीं, ऑप्थैल्मोलॉजी के हैं। मतलब आँख की बीमारी, तो क्या क्या आप यहाँ पर मरीज अगर यहाँ आएगा तो क्या क्या आप देखेंगे? बेसिक चेकअप कर सकता है यहाँ पे, एटलीस्ट उतना तो हमारे पास है यहाँ पे फैसिलिटी करने को। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सड़कों पर है, राखी बांधी कि नहीं भाई की? मेरे भाई यहाँ पे नहीं है, मैंने तो किसी को राखी नहीं बांधी है, लेकिन दुख की घड़ी है, उसका कुछ कर नहीं सकते है अभी। अभी इसलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, वही पॉइंट है उसका। आप किस डिपार्टमेंट से? मैं भी आपके डिपार्टमेंट से। तो आप यहाँ चलिए ठीक है, मनोहर आपके पास आएंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर ओपन ओपीडी
जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही तमाम जो ओपीडी एम्स में हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि इसमें तमाम चुनौतियाँ हैं डॉक्टर्स के सामने। हमारे साथ रवि बने हुए हैं, नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। रवि आपके पास आना चाहूँगी, रैनिक हमारे साथ कोलकाता से भी लाइव जुड़ गए हैं। रवि आपके पास आना चाहूँगी, लखनऊ में किस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है डॉक्टर्स को लेकर, क्या कह रहे हैं लखनऊ में डॉक्टर? बिल्कुल, आज काला रक्षाबंधन मना रहे डॉक्टर और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल की बात करें, केजीएमयू की बात करें, लोहिया अस्पताल की बात करें, पीजीआई अस्पताल की बात करें, सभी जगह ये विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर डॉक्टरों ने उस पूरी घटना को लेकर एक नुक्कड़ नाटक किया था, एक बाकायदा पूरी दर्शाने की कोशिश की किस तरीके से डॉक्टरों के साथ जो घटनाएं होती है ऐसी घटनाएं ना हो। आप देख सकते हैं स्लोगन के साथ में अपना विरोध है वो जताने काम किया जा रहा है और वी वांट जस्टिस, ये लगातार नारे जा रहे हैं। घटना है उस घटना से बेहद ही नाराजगी है, इसमें महिला पुरुष दोनों ही तरह के डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं और लगातार ये हड़ताल है वो लगातार जारी। हालांकि जो सीरियस कंडीशन मरीज आ रहे हैं उनको दिक्कत ना हो इसका पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है और निश्चित तौर पर जो महिला डॉक्टर है वो सबसे ज्यादा पीड़ित है क्योंकि महिलाओं की आवाज के उठाने के लिए महिलाओं को खुद इंसाफ के लिए आगे आना पड़ा है। हम उसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे पूरी घटना को लेकर जिस तरीके से लगातार आवाज उठ रही है। बंगाल में जो भी हुआ है वो बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, वो पूरी सोसाइटी के लिए। तो लोगों को ये ना लगे कि ये सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई है, ये हम सबकी लड़ाई है, हर उस लड़की के लिए जो असुरक्षित महसूस करती है। पहले तो सड़कों पे होता था, अब जो अस्पताल जो हमारा दूसरा घर कहा जाता है, जब हम वहाँ ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कहाँ सुरक्षित हैं। रक्षाबंधन क्या त्यौहार आज कैसे मना रहे हैं? देख ही रहे हैं आप सब, यहीं पर बैठे हुए हैं और रक्षाबंधन के दिन अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, रक्षाबंधन का दिन है और सुरक्षा की मांग कर रही हैं, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हमारा यही है कि जो हमारे जैसे सीपीए एक्ट लागू होना है और जो भी कोलकाता में जो भी घटना हुई है उनके जो भी कल्प्रिट है उनको जल्द से जल्द सजा मिले, तो इसी के लिए अभी हमारा प्रोटेस्ट है अभी के लिए। सुरक्षा की मांग है, उसके अलावा जो भी इस पूरी घटना के पीछे दोषी है जिम्मेदार है उनको सख्त सजा मिले और लगातार ये विरोध है वो लगातार जारी, क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है? ये डॉक्टर अंकित हैं हमारे। मैं यही कहूंगा कि इतने दिन हो गए हैं हम बस अपनी जस्टिस की मांग रखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट, एक अच्छी चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में वो उन्होंने सुमोटो लेकर अपने कॉग्निजेंस में लिया उस चीज़ को, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इस चीज़ की इंक्वायरी हो और जो कन्विक्शन हो पाए, जो भी कल्प्रेट है उसको कन्विक्ट किया जाए। और दूसरी चीज़ है कि एक ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए जिसके तहत सारे इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में ना हो। रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने आज पर्पल करके कुछ बैंड्स बांधे थे, जो भी यहाँ पे हमारे पास जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको, इन सब लोगों को बांधा, एक सेफली किया। हमने रेप को जीरो टॉलरेंस लेवल पे रखना चाहते हैं, रेप जैसे हीनियस क्राइम को जीरो टॉलरेंस ही रखना चाहिए। चलिए आपके पास रवि, हम आएंगे हमारे साथ अस्पताल में आते हैं। रैनिक जुड़े हुए हैं कोलकाता से। रैनिक, इस पूरे मामले को लेकर तमाम पहलू सामने निकल कर आ रहे हैं, तमाम तरह के एंगल पर जांच हो रही है, अब सीबीआई लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, कुछ और भी लोगों से पूछताछ की गई है, कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जो कि प्रोटेस्ट में भी शामिल थे और वो उस दिन जब आरजीकर हॉस्पिटल में ये पूरी घटना हुई उसके बाद तोड़फोड़ में भी सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, अभी क्या चीज़ें कितनी क्लियर हो पाई हैं? देखिए, आरजीकर का जी जो हमला का घटना आप जिक्र कर रहे हैं इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से अभी तक ये मामले में कुल मिलाकर 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी तरफ सीबीआई का अगर जांच के बारे में बताया जाए तो सीबीआई की तरफ से तीनों तरीके से जाँच आगे ले जाया जा रहा है। एक तरफ संदीप घोष जो एक्स प्रिंसिपल है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उनको लगातार 4 दिन पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल, आज भी उनका पूछताछ का वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो मेन एक्यूज संजय रॉय का जो मेंटल स्टेबिलिटी देखने के लिए उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 4 डॉक्टर को आज सीबीआई दफ्तर में पूछताछ कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स। दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से एक टीम, 3 मेंबर का एक टीम पीड़िता के घर में पहुंचे हैं और उन जगह में परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स, क्योंकि परिवार की तरफ से बहुत सारे चीज़
हम पहले दिन सीबीआई ऑफिसर्स को बताया गया था उसी आधार पर उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि पीड़िता जब ड्यूटी करने के बाद घर आते थे, घर आने के बाद किस तरीके का बातचीत घर लोग घर के जो मेंबर्स है उनके साथ करते थे, उनके पास किसी का फ़ोन कॉल आता था कि नहीं, किस तरीके का फ़ोन कॉल वो अटेंड करते थे, और उसके साथ साथ ही उनका जो दोस्त थे कौन कौन उनका दोस्त थे, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन था, कॉलेज में किस तरीके से सब कुछ चल रहा था, यही जानने का कोशिश अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही पीड़िता जिस घर में रहती थी उस घर का छानबीन भी कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि अगर कोई क्लू मिले तो उस क्लू का वो क्लू ढूंढने के लिए सीबीआई की तरफ से लगातार आज भी पीड़िता के घर में वो लोग छानबीन कर रहे हैं, उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तीसरी तरफ सीबीआई की और एक टीम जो तीन टीम का बात हम लोग कर रहे हैं, वो तीन टीम के अंदर और एक टीम आरजीकौर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। आरजीकौर मेडिकल कॉलेज में आज भी 3D स्कैनिंग किया जाएगा, यानी संजय रॉय जो मेन एक्यूज्ड का जो बयान था उस बयान के बेसिस में और उसके साथ साथ ही जो भी गवाह है उनका बेसिस पे कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन था उनका आधार पर एक 3D स्कैनिंग किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से। वो 3D स्कैनिंग का करने के लिए आज भी सीबीआई जो ऑफिसर वो आरजीकौर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। कुल मिलाकर सीबीआई की तरफ से ये जो पूरा मामले को एक ही छतरी के नीचे ले आना चाहते हैं सीबीआई, और इसी वजह से तीनों टीम जो काम कर रहे हैं वो इंटरलिंकिंग है। एक तरफ आरजीकौर मेडिकल कॉलेज जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ था उसका 3D स्कैनिंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ ये पूरा घटना में जो विक्टिम है विक्टिम का परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स, उनके साथ बात करके विक्टिम का संपर्क में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स, उनका फ्रेंड सर्कल के बारे में भी। नीतीश शाह हमारे साथ मुंबई से हैं। नीतीश, देखिए लखनऊ में हमने देखा वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है और दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुंबई से क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल अनन्या, आपको बता दें बीते 8 दिन से जहां पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जारी है, वहीं मुंबई में भी अलग अग- अलग समय पर जो है प्रोटेस्ट रोज किए जा रहे हैं। आज सुबह भी जो है मुंबई के आज़ाद मैदान, मुंबई जे अस्पताल जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और नायर अस्पताल में जो है प्रोटेस्ट किया गया था, और साथ ही राखी जो है आप डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ से उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है राखी यहाँ पर बांधी, और साथ ही जो महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर है जो ये एसोसिएशन है उनके तरफ से एक लेटर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है भेजा जाएगा, ऐसी हमें सूचना मिली है, और उसके मुताबिक उस लेटर में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर के साथ जो है राखी भेजी जाएगी, जिस लेटर में उनसे दरख्वास्त किया जाएगा कि वो केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कानून जो है वो बनाए, जो मेडिकल स्टाफ है उनके सिक्योरिटी के लिए उनकी सेफ्टी के लिए जो है कानून में प्रावधान लाए। वहीं जहां एक तरफ बीते आठ दिन से देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं कल मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जो फिर से डॉक्टरों के लिए काफ़ी कह लीजिए, कल सायन अस्पताल में तड़के सुबह 4 बजे जो है एक डॉक्टर जो एक मरीज का इलाज कर रही थी उस समय मरीज के परिजन और मरीज ने महिला डॉक्टर पर जो है हमला कर दिया, जिसके बाद सायन पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसी घटना जहां देश में एक तरफ बीते 8 दिन से लगातार प्रोटेस्ट हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात हो रही है, तो वहीं डॉक्टर दूसरे देश के दूसरे कोने में इस तरह से एक डॉक्टर पर हमला होना, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, प्रशासन को इन सारी चीज़ों पर जो है संज्ञान लेते हुए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में संज्ञान लेते हुए अब जो है आगे की जो कार्रवाई है वो तेज़ की गई है, और साथ ही ये जो मुंबई में कल हादसा हुआ है, ये घटना हुई है, इसको लेकर भी अब सायन पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसके बाद आगे इन बाकी चीजों पर इस तरह की घटना वापस ना हो, डॉक्टरों पर जो हमले हैं वो वापस ना हो, जो रेप जैसी घटना है वो वापस ना हो, इन सारी चीजों को लेकर जो है क्या क्या कुछ चीजों पर प्रावधानों में बदलाव करना होगा, केंद्र सरकार को क्या क्या फैसला लेना है या राज्यों में, क्योंकि सिर्फ चलिए नीतीश आपके पास आएंगे, रितेश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रितेश आपके पास क्या जानकारी है? हम हर तरफ देख रहे हैं कई दिनों से लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टरों में नाराजगी है, अपनी मांगों को लेकर लगातार डॉक्टर जो हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं, पटना में क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, जो पूरे देश में तस्वीर है वही तस्वीर पटना में भी है, और यहाँ भी डॉक्टर जो हैं आक्रोशित हैं, और आक्रोश से ज़्यादा अब उनके अंदर डर है कि अगर वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं खास तौर पर रात में तो क्या वो
सेफ हैं, सिक्योर हैं। देखिए कि IGIMS पटना का अस्पताल है और ये OPD है और यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं ये प्रोटेस्ट पर बैठे हुए, हालांकि इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं है, लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोलकाता में जो घटना हुई है उसको लेकर ये अपनी मांग यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर इनके हाथ में ये एक पोस्टर भी और लिखा भी हुआ है कि डॉक्टर्स स्टैंड फॉर इंडिया, डज इंडिया स्टैंड फॉर डॉक्टर्स, उसके बाद आई फियर फ्रॉम कमिंग आउट हेल्प। तो इस तरह की तख्तियां अगर डॉक्टर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सिचुएशन कितना अलार्मिंग है और डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं। देखिए कि तख्ती हाथ में ये लिए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे, आप दूसरे को मत बताइए, आप खुद बात कीजिए ना, यहाँ पर आप हैं। अब जो कोलकाता की घटना हुई है वो कितनी अलार्मिंग है, कितना चिंता है? देखिए वो घटना तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, पूरा देश को झकझोर करके रख दिया है उस घटना ने और अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया है उसके बारे में। तो हम उसी घटना को, पहले भी इस तरह के कई इंसिडेंट हुए हैं लेकिन इस चीज़ पे कोई कार्यवाही नहीं होती। निर्भया कांड हुआ था, उसको 12 साल बीत गए लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसके बाद भी ये घटनाएं दोहराई जा रही है। तो इस देखिए कि बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि घटनाएं जब होती हैं तो प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार जागती है लेकिन धीरे धीरे सारे लोग भूल जाते हैं। सफेद कोट पर लाल निशान, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, आप समझिए कितना गंभीर सिचुएशन है। ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अमूमन यही होता है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जब कोई घटना ताज़ा रहता है सारे लोग याद रखते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर जाते हैं, सरकार भी कई तरह के नियम SOP बनाती है लेकिन फिर लोग भूल जाते हैं। अभी अगर आप अस्पताल में आ रही हैं सुरक्षा को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट? जैसा कि अभी जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डॉक्टरों के साथ ही हो रहा है, कोई भी उठ करके मार करके चला जा रहा है कुछ भी, तब जितने पहले के कंपैरिजन में अभी वायलेंस हो रहा है डॉक्टरों के प्रति, तो मामला तो गड़बड़ है ही। तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं कि इस तरीके की जो अभी मतलब सिचुएशन हार की है, जो हालात है, तो ये तो मतलब इस डर में तो कोई भी डॉक्टर इलाज करने से, पूरे देश में डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके जैसे लाखों डॉक्टर जो हैं पूरे देश में प्रोटेस्ट पे हैं, एकमात्र मांग आप लोगों की क्या है? एकमात्र मांग यही है कि वर्क प्लेस पे सेफ हो, वर्क प्लेस जहाँ पे हम दिन रात काम कर रहे हैं, मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट का मतलब होता है 24/7 ड्यूटी, वो नाइट डे इसका कोई मतलब नहीं होता। सुरक्षा देखिए, इसको एलोबोरेट कीजिए, सुरक्षा क्या है, क्या डर लगता है काम करने के दौरान? अच्छा ये है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है या पेशेंट कभी ड्यूरिंग मैनेजमेंट ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ या कुछ भी हो जाती है, तो कभी अटेंडेंट जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी अदर पार्टीज़ का भी मतलब ये रहता है, तो उस हिसाब से सब जो है सेफ होना चाहिए वर्क प्लेस, और मतलब एक ये होना चाहिए कि हाँ हम जहाँ काम कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस काम कर रही हैं वो उनके लिए सेफ है, वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, अब आप भी देखिए कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आमतौर पर रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि हमारे साथ जुड़े, रैनिक आपका भी शुक्रिया, मनोहर केसरी, आदित्य हमारे साथ जुड़े और साथ ही नीतीश हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी